हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल धृति होम साइंस टीजीटी पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हो कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे बाल अध्ययन की विधियाँ। आज हम लोग देखेंगे विकास के प्रतिमान, आधारभूत प्रतिमान। तो विकास के मुख्य रूप से दो आधारभूत प्रतिमान हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, अधिगम एवं परिपक्वता। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण विकास के आधारभूत प्रतिमान हैं। ठीक है, बाल विकास के संदर्भ में वातावरण एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा ही बच्चे जो वंशानुक्रम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता द्वारा अथवा पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता रहता है, और वातावरण जो उसके चारों ओर घेरे हुए है उसी को वातावरण कहते हैं। कि जैसे कि एक कहावत है कि यथा बीज तथा फल, मतलब कि जैसा बीज होगा वैसे ही फल मिलेगा। तो वंशानुक्रम के द्वारा व्यक्ति अथवा जो बालक है वो अपने नैसर्गिक गुणों को जैसे शारीरिक मानसिक और बौद्धिक गुणों को प्राप्त करता है। इसमें चोरी करना भी आपराधिक गुण भी शामिल हो सकते हैं, किंतु वो जब उचित वातावरण में आता है तो उसके अंदर ये परिवर्तन किए जा सकते हैं और बदलाव किया जा सकता है। तो इसलिए एक बालक के आधारभूत तत्व माने जाते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। जैसे मान लीजिए कोई कोई बीज है, ठीक है, तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले तो भूमि की आवश्यकता होती ही होती है। तो जब हम उचित भूमि में उस बीज को लगा देते हैं तो बस उस बीज को लगा देने से वो फल फूल नहीं देने लग जाएगा, उसको समय समय पे खाद और पानी की भी आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से एक बच्चा जब जीवन में आ जाता है, एक जब वो जन्म ले लेता है तो उसके उपरांत, क्योंकि जन्म के समय तो वो अपने नैसर्गिक गुणों को लेकर के जन्म लेता है जो कि उसके माता पिता अथवा पूर्वजों से मिला होता है, किंतु जब वो नए वातावरण में चुकी आ रहा है तो वातावरण में आने के बाद जैसा उसका पालन पोषण किया जाएगा, जैसा उसका रख रखाव किया जाएगा, उस तरह से वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम एवं वातावरण एक बच्चे के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अधिगम एवं परिपक्वता। तो अधिगम एवं अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। तो सीखना, सीखने के व्यवहार का अभ्यास एवं उचित पालन पोषण को क्या कहते हैं, अधिगम एवं परिपक्वता कहते हैं। मान लीजिए जब कोई बालक कुछ चीज़ों को सीखता है, जैसे हम ही लोग हैं अभी कुछ सीख रहे हैं, सीखने की ये उम्र है तो सीख रहे हैं, तो जब उस चीज़ को अच्छे से सीख जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मास्टरी हासिल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इस समय आप सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, परिपक्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए जब पढ़ते पढ़ते आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप एक तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। तो उसी तरह से जो बालक के विकास में अधिगम एवं परिपक्वता का भी काफ़ी योगदान होता है, वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखता है और उसमें निपुण होता है, परिपक्व होता जाता है। तो ये रहे हमारे विकास के आधारभूत प्रतिमान, जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण। अब हम देखेंगे वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसमें देखेंगे आनुवांशिक गुण क्या होता है। तो आनुवांशिक गुण वे लक्षण होता है जो संतानों को माता पिता से प्राप्त होते हैं, या आनुवांशिक लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है वो आनुवांशिकता कहलाता है, अथवा बीज कोषों का वितरण वंशानुक्रम कहलाता है।
जैसे कि मान लीजिए जो बीज कोषों का वितरण यानी कि जो माता पिता से बच्चों में संतानों में ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसे ही बीज कोष का वितरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी जो संरचना है, मनुष्य की जो संरचना है वो एक सेल से होती है, कोष से होती है, तो इसलिए जो उसका डिवीजन होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जीन जो होता है वो ट्रांसफर होता जाता है। तो यही अनुवांशिकी का अर्थ है। तो जैसे ये जो आनुवांशिक गुण है ये केवल मतलब कि इंसानों में ही नहीं होता है, अपितु ये सभी जीव जंतुओं में होता है, चाहे वो प्रकृति में उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है या फिर पशु पक्षी हैं, सब में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक गुण हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समान से समान की उत्पत्ति। वही बात है, मान लीजिए समान से मनुष्य का ही जन्म होगा, ना कि पशु पक्षी का। ठीक है, तो जिस तरह से समान की उत्पत्ति वंशानुक्रम की ही वह क्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर हर जाति का प्राकृतिक परंपरा शाश्वत है, यानी कि जो वंशानुक्रम है उस वो एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था बनी हुई है जिसके द्वारा जाति का वर्णन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वो जाति नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, बल्कि यहाँ जाति से अर्थ तात्पर्य यह है कि ये मनुष्य योनि का है, ये पशु योनि का है, पशु जाति है, और ये पेड़ पौधे की जाति अथवा प्रजाति है। तो यहाँ पे जाति का अर्थ जीव जंतु पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से लगाया जाता है। जो जिस कुल में जन्म लेता है वो उसी का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है गुण अथवा दोषों को। ठीक है, और वातावरण जो है इसका सहयोग करता है अच्छा और बुरा बनाने में। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा अथवा किसी पौधे को हम एक अच्छे वातावरण में जन्म दिए पर उसका अच्छे से देखरेख नहीं कर पाए तो क्या होगा, सूख जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई बच्चा अगर किसी अच्छे परिवार में जन्म लेता है लेकिन उस पर सही से ध्यान नहीं दिया गया, उसके पोषण पे, उसके जो क्रियाकलाप हैं उस पे, तो क्या होगा, बिगड़ैल बन जाएगा और अनैतिक कार्य करने लग जाएगा। तो इसलिए जो अनुवांशिकता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, लेकिन वातावरण क्या है इसको बदल सकता है। वंशानुक्रम की खोज ग्रेगर एवं मेंडल ने किया। ठीक है, अब हम देखेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम का परिभाषा। माता पिता द्वारा बच्चों में शारीरिक व मानसिक लक्षणों का संक्रमण ही वंशानुक्रम है। जैसे कि जो भी शारीरिक मानसिक परिवर्तन बच्चों में होते हैं, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि यह एक जो ये लक्षण है वो संक्रमण है, यानी कि जिस तरह से कोई संक्रामक बीमारी अगर परिवार के किसी एक सदस्य को हो जाती है तो वो उसके संपर्क में आने से अन्य लोगों को भी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता के लक्षणों का ट्रांसफर होना ही एक संक्रमण है और यह इसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूथ बेनडिक्ट कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को हस्तांतरित होने वाला गुण है। जो वंशानुक्रम है वो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में हस्तांतरित होता है, ऐसा रूथ बेनडिक्ट ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट जीजी थॉम्सन कहते हैं कि परंपरागत संतति के मध्य उत्पत्ति के संबंध दर्शाने वाला उपयुक्त शब्द वंशानुक्रम है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है, चल रही है, उसके संबंध को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, वंशानुक्रम है। जैसे मान लीजिए किसी के भी बारे में हमें पता लगाना होता है, तो अगर मान लीजिए किसी के भी घर का अगर बच्चा गुम हो गया, ठीक है, उससे उसके फादर का नाम पूछा जाता है, फिर
ग्रैंडफादर का नाम पूछा जाता है, तो ऐसे क्या है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी का पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जो जीजी थॉमसन है वो कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पता लगाने का सबसे उपयुक्त और अच्छा माध्यम वंशानुक्रम है। इसी के माध्यम से हम वंशानुक्रम का पता लगा सकते हैं कि कौन किस वंशज का है। ठीक है, नेक्स्ट है बीज एवं हाइजर। बीज एवं हाइजर ने वंशानुक्रम का अर्थ वस्तुओं की अपनी ही जाति की प्रजनन प्रवृत्ति है ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो भी आ, आ, सजीव वस्तुएं होती हैं जिसमें जीव होता है वो अपने ही जाति के वस्तुओं को प्रजनन करने की क्षमता रखती है। जैसे अगर मनुष्य है तो वो मनुष्य को ही प्रजनन करेगा, मतलब कि मनुष्य से मनुष्य की ही उत्पत्ति होगी, पौधों से पौधों की उत्पत्ति होगी, चाहे वो जिस भी जात की है। जैसे मान लीजिए अगर आप गेहूं आपको उगाना है तो उसके लिए आपको गेहूं के ही बीज बोने पड़ेंगे। अगर आपको गेंदे का फूल उगाना है तो आपको गेंदे के फूल का ही बीज डालना पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी वंशानुक्रम है वो अपनी ही जाति का प्रजनन करता है, ऐसा बीज एवं हाइजन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी डिंकमेर। डीसी डिंकमेर क्या कहते हैं? वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो शिशुओं को जन्म से ही प्राप्त होती है और प्राणी विकास में ये वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण उसके स्वभाव एवं जीवन चक्र को गति एवं नियंत्रित करती है। इन वंशानुगत तत्वों को प्राणी की संरचना एवं क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति एवं ऋण समझना चाहिए। जो डीसी डिंकमेयर है ये कहते हैं कि वंशानुगत जो है ये जन्मजात विशेषता है और शिशु को जन्म से प्राप्त होती है और इसको एक ऋण समझना चाहिए। ऋण इसलिए समझना चाहिए क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से हमारे माता पिता से हमें हस्तांतरित होते रहते हैं। तो इस तरह से प्रमुख प्रमुख विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं वंशानुक्रम की। ठीक है, हम